So, hello everyone. If I'm audible, give me a thumbs up, write something in comment section. Then we can start the session. Okay, so that means I'm audible. Thanks for coming on time. Hi Moksha, yeah, this is for ancient history. Hi Madhurima, hi Ranya, hi Kiran, hi Varsha. Let's start the session then, okay? Welcome you all. This is RISE 2.0, that is an Academy's initiative, 80 days crash course, okay? 80 days crash course. जो हम we are trying to help those students जो कि 2020 प्री में अपेयर हो रहे हैं. सो द कोर्स इज मच मोर फोकस्ड ऑन व्हाट आर द स्पेसिफिक पॉइंटर्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन ऑन इन अक्टूबर. ओके, नाउ अभी तक 8 लेक्चर हो चुके हैं. देर हैव बीन 8 लेक्चर्स ऑन एंशियंट हिस्ट्री. दिस इज द 9th वन. ओके, विल बी फिनिशिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द पोर्शन, ऑल द पोर्शन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री बाय 16th ऑफ दिस मंथ. ठीक है, एंड देन विल स्टार्ट मेडिवल हिस्ट्री. ओके, सो पोस्ट मौर्यन एम्पायर वी हैव टू डू टूडे. आज हमें पोस्ट मौर्यन एम्पायर पढ़ना है. ठीक है, कि मौर्य जो पूरी एम्पायर थी, मौर्य डायनेस्टी थी, मौर्यन डायनेस्टी के खत्म होने के बाद जो दूसरी नई डायनेस्टीज डेवलप हुई उनके बाद छोटी छोटी अलग अलग रीजन में वो कौन थी, कहाँ से आई थी, कैसे हुआ, क्या हुआ. ठीक है, सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट. लेट स्टार्ट द सेशन. So those who are here for the first time, I'm Shwetank and I have been teaching and guiding civil service aspirants from past 2 years. Okay. My expertise are in GS paper 2 and PSI are optional, but right now I'll be helping you out with ancient history because I like history. Yeah, so yeah, so my contact details are on the screen, and the thing is that I'll suggest please आप CSE underscore SPYT को subscribe करें, join कर लें, ठीक है, group को. And I'll be uploading the PPT, the presentation, this presentation after the class over there. And this is really important presentation. You have to go through it. ठीक है, इसमें सारे points हैं जो आपको examination के लिए चाहिए होंगे ancient history से. ठीक है, let's talk a bit about an academy platform also because it is giving us this opportunity to interact in this manner. और जैसा कि मैंने अभी पहले भी आपको क्लास में बताया है कि कैसे क्या करें कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो पाए. ठीक है, कोई वेदर इट्स कोविड की सिचुएशन या कोई भी सिचुएशन, क्या करें कि इम्पैक्ट ना हो, कहीं से भी एफिशिएंसी लॉस ना हो, रेगुलरिटी बनी रहे आपकी प्रिपरेशन में. ठीक है, सो इन चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप अपनी प्रिपरेशन अन अकेडमी के थ्रू करें. ठीक है, यू हैव टू डू योर प्रिपरेशन थ्रू अन अकेडमी एंड वी विल एजुकेटर्स लाइक मी विल बी गाइडिंग यू थ्रू द प्रोसेस कि आपको सिविल सर्वेंट कैसे बनना है. ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है कि सर सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी चीजें और आ गई हैं. तो सिलेबस को पढ़ें, सब्सक्रिप्शन लें, यूज करें कोड SPYT, उसके बाद मुझे कॉल करें, आई विल हेल्प यू आउट, आई विल गाइड यू थ्रू इट कि कैसे कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में करना है, कब करंट अफेयर्स को पढ़ना है और कब स्टैटिक पोर्शन को पढ़ना है, स्टैटिक पोर्शन पढ़ने के बाद हिंदू पढ़ना शुरू करना है या हिंदू साइमल्टेनियसली पढ़ना है. सारे क्वेश्चन की क्वेरीज के आंसर मैं आपको दे दूंगा. ठीक है, ये पूरा टाइम टेबल है. आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द पीपल हियर नो दिस टाइम टेबल, बट इफ यू डोंट, प्लीज इस टाइम टेबल को एक बार वापस स्क्रीनशॉट ले लें, अपने साथ रख लें, स्लाइड डाउनलोड करके वहां से इसको देख लें, एंड इसके अकॉर्डिंगली मोस्ट सारी क्लासेस होती हैं एंड यू कैन फॉलो द क्लासेस. ठीक है, सो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन. ठीक है, इवनिंग 8 to 9 हिस्ट्री की क्लास होती है. ओके, सो ये सारी चीजों का बेनिफिट कैसे लेंगे आप, अन अकेडमी देखें. अभी वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट एज मच एज वी कैन. ठीक है, फ्री क्लासेस के थ्रू ऑन यूट्यूब, बट देर आर लॉट मोर थिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दैट विल गिव यू अ एडेड इम्पॉर्टेंट एडेड स्टफ विच कैन हेल्प यू इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन. और वो लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप 2020 का एग्जाम दे रहे हैं, प्री अपियर कर रहे हैं, तो आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन तुरंत ले सकते हैं. द प्राइस इज 44,000 रुपीज. SPYT कोड यूज करें, इट विल रिड्यूस टू 39,600 रुपीज, दैट इज 10% का रिडक्शन. ठीक है, सो ये आप लें और तुरंत अपना काम शुरू करें. करंट अफेयर्स की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं जो कि स्पेसिफिक नीड है इसकी पूरी. ठीक है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड, और आपको वहां से उसमें हेल्प मिल जाएगी. अगर यू आर वॉचिंग इट एंड यू आर प्लानिंग टू अपियर इन 2021 या 2022, सो वॉट यू कैन डू बेस्ट इज कि 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लें. द प्राइस इज 64,000 रुपीज, बट
आप यूज करेंगे SPYT कोड और आपको 10% रिडक्शन के साथ इट विल बिकम 57,600 रुपीज, ठीक है, 57,600 रुपीज। और इससे आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, नो कॉस्ट EMI के साथ भी, मतलब एवरी मंथ यू हैव टू पे 2,400 रुपीज फॉर 24 मंथ्स, और हर महीने 2,400 रुपए पे करके भी आपकी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दैट इज द बेस्ट वे पॉसिबल एक्चुअली, अदरवाइज एनीवेयर एल्स एनीथिंग एल्स इट विल बी मच मोर कॉस्टलियर। ओके, सो डू दिस, लेट्स स्टार्ट विद पोस्ट मौर्यन एम्पायर्स, एम्पायर पोस्ट मौर्यन, ठीक है। बिफोर दैट एनी क्वेरीज एनी क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट क्लास ऑल्सो यू कैन आस्क मी। हाई गुलाब, हाई प्रीति, हाई स्टोन कोल्ड, या स्टोन कोल्ड हमें भी है कर दो। आयुषी, गुड इवनिंग, हाय जय, या हाय काजोल, हाय प्रांजलि, हाय सोनल, या सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखे कहानी ऐसे है, कहानी आगे बढ़ती है, पोस्ट मौर्यन पीरियड खत्म हो गया 183 BC में। अब अगर कोई भी जो पावरफुल डायनेस्टी जब खत्म होती है तो क्या होता है, अगर कोई एक बड़े देश, आप बड़े देश की बात छोड़ दीजिए, आप ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे अभी अगर जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पावरफुल नहीं रहती है तो क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो पावरफुल हो जाती हैं, यही होता है ना। जब भी किसी देश में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल नहीं होती है, जैसे इंडिया में ही जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट में कोलिशन गवर्नमेंट से चली है, स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल हो जाती है, ठीक है। सो इसी तरीके से जब भी कोई एक बड़ी किंगडम जो थी उसने अपना पावर खोया है, ठीक है, सो हर जगह से छोटे छोटे किंगडम्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो उसी तरीके से क्या हुआ, अब 183 BC तक आते आते मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया पूरी तरीके से, और उसके बाद फिर क्या होगा, अब आप देखेंगे कि किस तरीके से नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है इंडिया का, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा और जो अफगानिस्तान के पास से रीजन है, उस तरफ के जो वहां के रूलर्स थे उन्होंने अब इंडिया पे अटैक करना शुरू किया, बिकॉज दे नो कि इंडिया में अब कोई बहुत बड़ा एम्पायर है नहीं, उनके पास कोई बहुत ज्यादा फोर्सेस नहीं है, छोटे छोटे एम्पायर्स हैं, उनकी हेल्प के लिए कोई आएगा नहीं, ठीक है, उनके खुद की लड़ाई चल रही है अपने ईस्टर्न नेबर से ही, तो उनके वेस्ट में कौन उनको सपोर्ट करने आएगा। और इसलिए आप देखेंगे कि इंडो ग्रीक्स, जिनको बैक्टीरियम ग्रीक्स भी कहते हैं, ठीक है, इन्होंने इंडिया पे अटैक करना शुरू किया। अब पहले आप एक बार मैप में देख लीजिए वेयर दे वर, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे कि ये लोग कहाँ पे थे, किस एरिया में थे, तो ये दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू लेटर ऑन, ठीक है। तो इसको मैप से कोशिश करें याद करने की। देखिए अभी के ज्योग्राफिकल मैप पे मैच है, कैस्पियन सी आपको दिख रहा है, ब्लैक सी आपको दिख रहा है, सेलुसिड एम्पायर यहाँ पे है, ठीक है, पार्थियन किंगडम जो आपका, ठीक है, इराक और सीरिया के आसपास वाला रीजन है उसके पास, और ईरान के पास वाला रीजन, ठीक है, ईरान के पास वाला जो रीजन है पार्थियन रीजन में आता है। इसके बाद आप ऊपर देखेंगे तो ग्रीको बैक्टीरियन किंगडम, ठीक है, ये आपका अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो पूरे 5 स्थान्स हैं फेमस सेंट्रल एशिया वाले, और अफगानिस्तान का एरिया, ये सारे को कवर करता है कौन, ग्रीको बैक्टीरियन किंगडम, और ये पामीर नॉट के ऊपर तक जो बैक्टीरिया, अभी बैक्टीरिया वाला एरिया है, वहां से ग्रीको बैक्टीरियन किंगडम था, जिसके रूलर्स जो होते थे वो ग्रीक और इंडियन मिक्सअप ओरिजिन के होते थे, ठीक है। अब ये लोग क्या है, अब देखें इन लोगों ने अटैक करना शुरू किया, अब इसी में के एक रूलर थे जो इंडो ग्रीक रूलर थे, इंडो ग्रीक रूलर मतलब इंडिया में रूल कर रहे थे इस रीजन में, लेकिन ग्रीक ओरिजिन के रूलर थे, इनकी मोस्टली इनकी जो नोबिलिटी थी वो ग्रीक थी, ये जो कल्चरली बहुत ज्यादा ग्रीक इन्फ्लुएंस थे, तो वो कौन थे, इनको हम कहते हैं मिलिंद या फिर मनिंदर, ठीक है, इनको मनिंदर भी कहते हैं और इनको मिलिंद भी कहते हैं। तो अब इनका रूल कब से कब तक था, 165 to 145 BC, और इनकी कैपिटल थी अभी पाकिस्तान में जो जगह है सियालकोट, ठीक है, सियालकोट इनकी कैपिटल थी, और उसको उस समय शकाल कहते थे, ठीक है, ही वॉज कन्वर्ट, और इनको फिर अब देखें इनके पास अपने ये लेटर ऑन ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। अब ये बुद्धिज्म में कैसे कन्वर्ट हुए, ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए जब नागासेना या फिर नागार्जुन, दोनों नाम यूज किए जाते हैं, नागार्जुन बेसिकली एक बुद्धिस्ट मॉन्ग थे जो कि सियालकोट में यानी शकाल में मिलिंद के कोर्ट में गए, उन्होंने मिलिंद ने उनसे क्वेरीज पूछी और उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है, नागार्जुन ने दिया, एंड फाइनली ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, ठीक है, जब उनको उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए तो वो ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। अब ये जो पूरे क्वेश्चंस हैं, जो पूरा जो डायलेक्टिक्स चल रहा है, जो पूरी कन्वर्सेशन चल रही थी मिलिंद और नागार्जुन के बीच में, ये एक सेट ऑफ क्वेश्चन है जो एक बुक में लिखी हुई है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, ओके, और ये आपको पता होनी चाहिए, इसलिए कहानी बताई कि कौन से कोर्ट में क्यों गया, ये सारी चीज मिलिंद पन्हो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अब आगे बात कर लेते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट की, मिलिंद पन्हो, ठीक है, हेलेनिस्टिक आर्ट क्या होता है, एनीवन,
इसको इस तरीके समझे। ओके सुनील, आई विल लुक इनटू इट, इफ दे आर नॉट एडेड विल गेट इट डन। ओके, हेलेनिस्टिक आर्ट की बात करते हैं, ठीक है। सो अब हेलेनिस्टिक आर्ट क्या होती है, देखिए अलेक्जेंडर की डेथ के बाद से, ठीक है, और रोम के इमर्जेंस के बीच में, ठीक है। अलेक्जेंडर कहाँ से थे, मैसिडोनिया से, ग्रीको मैसिडोनियन एम्पायर एक तरीके से चला रहे थे वो। सो अलेक्जेंडर की डेथ हुई 323 BC में, और अगली बड़ी बड़ी जो सल्तनत थी, अगली बड़ी जो पूरी डायनेस्टी, जो पूरा एक एम्पायर था यूरोप से आने वाला, वो था रोमन एम्पायर। वो कब शुरू हुआ था, रोमन एम्पायर शुरू हुआ बैटल ऑफ एक्टियम के बाद से, 31 BC के बाद से। सो 323 BC से लेके, ठीक है, 323 BC से लेके ओके 31 BC तक, ये जो पूरा पीरियड है, इस पीरियड के बीच में जो भी आर्ट फॉर्म थी, जो इस एरिया से आती थी, उसको कहते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट। ओके, उसको कहते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए हेलेनिस्टिक आर्ट क्या होती है। फर्स्ट कॉइन्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द किंग्स वर इशूड इन इंडो ग्रीक पीरियड ओनली, ठीक है। इससे पहले जो कि कॉइन्स होते थे, कॉइन्स पे या तो किसी गॉड की फोटो होती थी, या फिर आपको सीन मिल जाएगा, या एनिमल्स होते थे। लेकिन पहली बार ऐसा कब हुआ कि आपके जो किंग होते थे, ही बिकेम सो इम्पोर्टेंट इन द सोसाइटी कि कॉइन पे उनकी पिक्चर आ रही हो। दैट हैपेंड इज इंडो ग्रीक पीरियड ओनली, ठीक है। अब ये जो हेलेनिस्टिक आर्ट जो मैंने आपको बताया, ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो अभी इंडिया का था, ठीक है, 47 के पहले जो पूरा रीजन है, जो पाकिस्तान वाला, नॉर्दर्न पाकिस्तान का जो रीजन है, इस एरिया में हेलेनिस्टिक आर्ट कौन लेके आया, तो एग्जैक्टली यही जो इंडो ग्रीक रूलर्स हैं, ये हेलेनिस्टिक आर्ट को लेके आए, ठीक है। और ये कैसे आया था, बिकॉज ग्रीक ओवर द पीरियड जब इंडियंस के साथ सब कॉन्टिनेंट में उनका रिलेशन डेवलप हुआ, सो ये आर्ट फॉर्म इंडिया में आ गई, ठीक है। अब देखते हैं शाकाज के बारे में, दैट वॉज अनदर ग्रुप ऑफ, ठीक है, पूरा एम्पायर इनका। तो शाकाज जो थे वो बेसिकली पांच उनकी ब्रांचेस थी, एक नहीं, दो नहीं, पांच अलग अलग जगह से ये रेगुलेट हो रही थी अलग अलग टाइम पीरियड में। और यही वो रीजन है कि शाकाज को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दे वर फाइव ब्रांचेस ऑफ शाकाज, अफगानिस्तान, पंजाब, ठीक है, अफगानिस्तान में एक ब्रांच थी, पंजाब में एक ब्रांच थी, पंजाब वाली ब्रांच तक्षशिला से कंट्रोल होती थी, कैपिटल वॉज तक्षशिला, ठीक है। पंजाब है तो लाहौर कैपिटल मत समझिएगा, तक्षशिला वॉज कैपिटल, मथुरा वॉज द थर्ड ब्रांच। वेस्टर्न इंडिया शाखा कंटिन्यूज टू रूल टिल 400 AD। वेस्टर्न इंडिया मतलब राजस्थान और सदर्न राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में भी शाखाज थे। अपर डेक्कन में पांचवी अलग ग्रुपिंग थी शाखाज की, ऑल दे वर डिफरेंट ग्रुप्स बट कमिंग फ्रॉम द शाखा ओरिजन ओनली। Only the Shakas who ruled in Western India were able to held up to the region because of the benefits of seaborne trade in Gujarat. ठीक है, so Shakas जो है ऊपर वाले अफगानिस्तान के, पंजाब के, even मथुरा तक के, उनको हमेशा से problem क्या होती थी, एक तो trade का कोई source नहीं था, दूसरा हमेशा कोई ना कोई invading force, कोई ना कोई group के लोग उनपे attack कर देते थे north west से आके, ठीक है। तो इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दिन तक ग्रो नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाए। कंट्रोल कौन कर पाया सबसे लंबा, जैसा कि मैंने आपको बताया, वेस्टर्न इंडिया की जो शाखा थे 400 AD तक उनकी पूरी रूल चली, ठीक है, वेस्टर्न इंडियन रीजन में। ये क्यों चला, इसके पीछे रीजन दो थे, एक तो वेस्टर्न इंडिया में बार बार इन्वेजन जो थे वो कम हो रहे थे, ठीक है, इन्वेजन जो था वो ज्यादा से ज्यादा पंजाब तक होता था, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, एक तो गुजरात में सी बॉर्न ट्रेड का बेनिफिट मिल गया इन लोगों को, ठीक है, सी बॉर्न ट्रेड का बेनिफिट मिल गया गुजरात में, दैट इज द एडिशनल थिंग, ठीक है। नाउ किंग विक्रमादित्य जो थे उज्जैन के, ठीक है, ही फॉट एंड वॉन ओवर शाकाज इन 57 एंड 58 BC, ठीक है, और उसके बाद ही उन्होंने वो टाइटल लिया विक्रमादित्य का। और विक्रम संवाद जो है वो 57 BC में को इसी चीज को कमेमोरेट करने के लिए, इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। और इसीलिए विक्रम संवत जो कैलेंडर है वो 57 BC से ही शुरू होता है, क्योंकि इसी टाइम पे शाकाज को किंग विक्रमादित्य उज्जैन के जो थे उन्होंने हराया था, ठीक है। सो दैट यू नीड टू रिमेम्बर, विक्रम संवत कब से शुरू होता है, 57 BC से। क्यों शुरू होता है, क्योंकि विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन हैड फॉट एंड वॉन अ वॉर अगेंस्ट शाकाज, ठीक है, ऑफ वेस्टर्न इंडिया, सॉरी शाकाज ऑफ मथुरा, एक्चुअली उनका अटैक हुआ। इन द टोटल देर आर 14 विक्रमादित्य, ठीक है, ये भी एक चीज है, ये आपको बतानी चाहिए, विक्रमादित्य का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, विक्रमादित्य एक नाम नहीं है, विक्रमादित्य एक टाइटल है जो कि आपको फाइट्स, जो आप वॉर जीतने के बाद क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सो देर 14 विक्रमादित्य,
ठीक है इंडिया में, और 14 विक्रमादित्य ऐसे लोग, ऐसे रूलर्स हैं जिनके पास टाइटल था विक्रमादित्य का 14। और चंद्रगुप्त इसमें से सबसे, चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो सबसे फेमस विक्रमादित्य थे। ठीक है, अब कुशाना की बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको हर टॉपिक में से उतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपको प्री ओरिएंटेड जरूरी है, उससे ज्यादा डीप में हम नहीं जा रहे हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर द प्री पर्पज ओनली। ओके ओके, कुशानास के बारे में आप पढ़ लेते हैं। देखिए कुशानास जो थे, ये साइड में आप जो स्तूपा देख रहे हैं, ये एक्चुअली अभी पाकिस्तान में ये नेशनल हेरिटेज साइट, वर्ल्ड नेशनल वर्ल्ड यूनिवर्सल हेरिटेज साइट का इसको परमिशन अभी मिला है। ठीक है, इनको यूचेनेज और टोचारियंस भी कहते हैं। ठीक है, कुशानास जो होते हैं दे वर वन ऑफ द फाइव क्लैन इन विच यौची ट्राइब वॉज डिवाइडेड। ठीक है, ये एक अलग सी सेंट्रल एशियन ट्राइब है, सेंट्रल एशियन ट्राइब थी जिसमें से पांच अलग अलग रीजन में डिवाइड हुई थी, उसमें से एक जो थे उनको कुशाना कहते हैं। ठीक है, पहले ये नोमेडिक पीपल थे। ठीक है, यानी सेंट्रल एशिया और रशिया में जो स्टेपीज वाले फील्ड होते हैं, जो बाद में वीट प्लांटेशन के लिए, तरीके से वीट की ग्रो के लिए, वीट क्रॉप के लिए फेमस हुए। ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल एशिया में वहां से ये लोग आए थे, तो दे वर वेरी गुड हॉर्स राइडर्स। ठीक है, इंडियंस कभी हॉर्स राइडिंग वॉर्स राइडिंग नहीं करते थे, हम लोगों को घोड़े वोड़े चलाने नहीं आते थे, यही लोग थे जो घोड़े लेके आए थे वहां से। ठीक है, देयर एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम ऑक्सिस टू गंगा, फ्रॉम कुराशन इन सेंट्रल एशिया टू वाराणसी इन यूपी। ठीक है, अब कुशानास की टू डायनेस्टीज थी, द वन वॉज हाउस ऑफ कैडफिसेस, कैडफिसेस कैडफिसेस के बारे में आपको डिटेल नहीं पढ़ना, वो वेस्टर्न वर्ल्ड एरिया में थे, ईरान वाले साइड में, और जो आपको डिटेल में पढ़ना है वो है हाउस ऑफ कनिष्क। ठीक है, जो मथुरा से ऑपरेट करते थे, मथुरा और तक्षशिला, पेशावर जिसको पुरुषपुर कहते हैं, वहां से ऑपरेट करते थे। ठीक है, उनकी दो कैपिटल्स थी, मथुरा और पुरुषपुर। पुरुषपुर कहाँ पे है, जो पेशावर अब शहर है पाकिस्तान में, उसका नाम पुरुषपुर था, वहां से कनिष्क जो थी वो उनकी मेन कैपिटल थी, दूसरी कैपिटल मथुरा। ठीक है, पुरुषपुर में कनिष्क ने एक मॉनेस्ट्री बनवाई थी विद अ ह्यूज स्तूप, स्तूपा। ओके, जो रेलिक टावर है जो आपके सामने स्क्रीन पे राइट हैंड साइड टॉप पे दिख रहा है, दैट इज द वॉट एवर इज लेफ्ट ऑफ दैट स्तूपा इन पुरुषपुर, दैट इज नाउ इन पेशावर। ठीक है, अब ऑब्वियसली पेशावर है तो उतना उस पर ध्यान नहीं दिया गया लास्ट 78 ईयर्स में और उसके पहले भी, बट नाउ दे आर टेकिंग कंसिडरिंग इट टू बी इम्पॉर्टेंट। एंड कनिष्क वॉज द वन हु स्टार्टेड द साका इरा 78 AD में। ठीक है, सो दैट इज समथिंग आपको याद करना है, साका इरा यहां से। ओके, ही एक्सटेंडेड हिज पेट्रोनेज टू बुद्धिज्म। ओके, ही ऑर्गेनाइज द बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। तो ये सारी चीजें देखें, बुद्धिज्म की ओर कैसे ये रेगुलेट हुए, मूव हुए, और इन्होंने पेट्रोनिज्म, पेट्रोनेज बढ़ाई अपनी बुद्धिज्म की तरफ, और बुद्धिस्ट काउंसिल बनाई कश्मीर में। ओके, महायाना बुद्धिज्म, जो महायान और हीनयान बुद्धिज्म होते हैं उनके डॉक्ट्रिन में, या महायाना बुद्धिज्म की जो पूरे आइडियाज हैं वो फाइनलाइज भी इसी बुद्धिस्ट काउंसिल में हुए थे जो कश्मीर में ऑर्गेनाइज हुई थी। ओके, कनिष्क के बारे में अब डिटेल में हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा। कनिष्क वॉज ऑल्सो अ पेट्रन ऑफ आर्ट एंड संस्कृत लिटरेचर। ठीक है, कनिष्क संस्कृत लिटरेचर इस टाइम पे डेवलप होना शुरू हो गया था। इन लेटर पीरियड कुशाना एम्पायर में आर्मेइक स्क्रिप्ट और ख्वारिज्मी लैंग्वेज वाज यूज्ड, बिकॉज ये जो ईरानियन और अफगान बॉर्डर वाले एरिया है वहां से ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। एडवांसमेंट इन बिल्डिंग एक्टिविटीज इज कंफर्म फॉर श्योर। तो इसे पूरे रीजन में डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी के भी प्रूफ मिले हुए हैं। ठीक है, सेवरल लेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन मिले हैं, जैसे कि एक स्तूपा मिला है जो तीन माले का, ठीक है, थ्री स्टोरी स्तूपा भी मिला है। रेड पॉटरी टेक्निक्स वर इन प्रेवलेंस, शाकाज और कुशानाज दोनों ने कैवलरी टेक्निक्स बहुत ज्यादा डेवलप की। सो घोड़सवारों के साथ साथ, ठीक है, जो सैडल होते हैं, जो शूज होते हैं, जो पैंट्स पहनते हैं, ठीक है, इंडिया में लोग पैंट्स नहीं पहनते थे पहले, लोइन क्लोथ पहनते थे या धोती पहनते थे। ठीक है, जो पैंट्स पहनने का पूरा कल्चर है वो क्यों आया, बिकॉज पेंटलून हेल्प्स इन हॉर्स राइडिंग। ठीक है, और सैडल, सैडल किस तरीके की यूज करनी है, पूरी कैवलरी की जो टेक्निक्स है वो शाकाज और कुशानाज ने ही डेवलप की है। ठीक है, दे यूज बेटर रेन एंड सैडल्स। ओके, शाकाज और कुशानाज जो थे वो अर्बन, उनके ट्यूनिक्स, ट्राउजर, हैवी लॉन्ग कोट, ये सारी चीजें जो है ये इसी पीरियड में पहली बार आई थी, बिकॉज ऑब्वियसली हैवी लॉन्ग कोट्स इंडियन को चाहिए ही नहीं, क्योंकि इंडियन जिस क्लाइमेट में, जिस वेदर कंडीशन में रहते थे उसमें आपको कोट की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी अपर बॉडी जो होती थी वो बेयर चेस्टेड ही होती थी।
ठीक है, ट्यूनिक्स, ट्राउजर्स, हैवी कोट्स, ये कहाँ पे जरूरत पड़ती थी, जहां पे ज्यादा विंटर का इम्पैक्ट हो, और वहां से शाकाज और कुशानाज जो थे ये लेके इंडिया में आए, ठीक है, एज वेल एज कैप, हेलमेट, बूट्स, ये सारी चीजें जो है ये शाकाज और कुशानाज ही लेके इंडियन सोसाइटी में फॉर द फर्स्ट टाइम आए। इसके पहले इंडिया में लोग चप्पलें नहीं पहनते थे, ठीक है। कुशानाज वर कॉल्ड एज द किंग सन ऑफ गॉड, मतलब गॉड के रिप्रेजेंटेटिव जो किंग होते हैं, दे वर कॉल्ड एज वन, ओके। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सत्रप सिस्टम, जो प्रोविंशियल सिस्टम होता है वो सत्रप सिस्टम, ये कहाँ से, ये डारियस के टाइम से ईरानियन सिस्टम से कॉपी किया था इन्होंने, वहां से ये लेके सत्रप सिस्टम आए थे। प्रोविंशियल सिस्टम इंडिया में इन्होंने शुरू किया था, हेरिडिटरी सिस्टम वो भी इन्हीं के यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। ग्रीक इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जो मिलिट्री गवर्नरशिप वाली पूरी चीज है वो किसने स्टार्ट की थी, ग्रीक्स ने, यहाँ पे देयर गवर्नर्स वर कॉल्ड एज स्ट्रेटेगोस, ओके, स्ट्रेटेगोस, ओके, दिस वॉज द नेम स्ट्रेटेगोस, जो आपको पता होना चाहिए, गवर्नर्स को ये नाम दिया जाता था, देवर कॉल्ड विद दिस नेम, ओके। अब स्टैचूज के बारे में दो तीन चीजें और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस सेट अप अ पिलर इन ऑनर ऑफ वासुदेव नियर विदिशा इन मिड ऑफ सेकेंड सेंचुरी बीसी, ठीक है। हेलियोडोरस जो है वो ग्रीक एम्बेसडर थे और उन्होंने विदिशा में वासुदेव की एक पिलर लगवाया, वासुदेव के को प्रेस करते हुए, ठीक है। वासुदेव वॉज एक्चुअली इन सेकेंड सेंचुरी बीसी में वासुदेव वॉज द काइंड ऑफ गॉड जो सेलिब्रेट किए जाते थे, मिक्सचर ऑफ कृष्ण एंड विष्णु, जो अभी के टाइम के हिसाब से देखते हैं। सो हेलियोडोरस ने उनके लिए एक स्तूपा पिलर लगवाया था, कहाँ पे, विदिशा में, मध्य प्रदेश में है अभी विदिशा, फॉर दोज हु डोंट नो इट। कुशाना रूलर्स वर्शिप बोथ शिवा एंड बुद्धा अलग अलग लोकेलिटी में, ठीक है। कनिष्क बिकेम द ग्रेट पेट्रन ऑफ महायान बुद्धिज्म, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी लास्ट टाइम में, तनिष्क बिकेम द ग्रेट पेट्रन ऑफ महायान बुद्धिज्म हो गया। ही कन्वीन द काउंसिल ऑफ, ओके, ही कन्वीन द काउंसिल ऑफ काउंसिल इन कश्मीर, पिटाकाज वर एक्सप्लेन्ड हियर ओनली, जो अभिन्न पिटाका, सुता पिटाका होती है बुद्धिज्म में, दैट यू विल बी रीडिंग इन डिटेल इन आर्ट एंड कल्चर विच आई विल बी टेकिंग फ्रॉम 1st of August, ठीक है, सेपरेट क्लासेस, वो पिटाकाज मैं वहां समझा दूंगा, बट सुता पिटाका और अभिन्न पिटाका ये सारी जो चीजें हैं, पिटाकाज का एक्सप्लेनेशन कहाँ पे आया, काउंसिल इन कश्मीर जो हुई थी महायान बुद्धिज्म की, उसी में, वो किसकी गाइडेंस में हुई थी, किसकी ओवरलॉर्डशिप की हुई थी, तो कनिष्क की ओवरलॉर्डशिप में हुई थी, ठीक है। अब कनिष्क की एक स्टैचू भी है जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, दे आर डिफरेंट स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, कंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। सो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में एक कनिष्क की स्टैचू है जो हेडलेस स्टैचू है, इनका हेड किसी ने तोड़ा होगा, उसकी डिटेल्स किसी को नहीं पता है, लेकिन इससे एक आइडिया लग जाता है दैट व्हाट वाज द क्या कपड़े पहनते थे, किस तरह के जूते पहनते थे, इन सारी चीजों का आइडिया आपको लग जाएगा कनिष्क के बारे में। मथुरा स्कूल ऑल्सो प्रोड्यूस सेवरल स्टोन इमेजेस ऑफ वर्धमान महावीरा, ठीक है, तो जैनिज्म के जो 24 तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर, उनके भी कई सारे स्टोन इमेजेस जो हैं वो आपको मिलेंगे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, ठीक है। अश्वघोष एंजॉयड द, अब देखें कनिष्क की कोर्ट में अश्वघोष एक नोबेल की तरह थे, ठीक है, ही वॉज अ लिटरेरी क्रिटिक जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी थी, तो आपको सेपरेटली ऐसे तो याद होना ही चाहिए कि बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी, तो बुद्ध चरित्र वॉज रिटन बाई अश्वघोष, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू रिमेम्बर दिस कि अश्वघोष ने जब लिखी थी ये तो वो कहाँ पे थे, तो वो कनिष्क की कोर्ट में थे, ठीक है। बुद्ध चरित्र क्या है, इट वॉज द बायोग्राफी ऑफ बुद्ध, एंड सौंदरनंदा विच इज अ संस्कृत काव्य दैट इज ऑल्सो रिटन बाई अश्वघोष, ओके। अवधानास किस चीज के लिए है, सो इट वॉज इट दे वर कम्पोज इन बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत, द डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म लीड टू देयर डेवलपमेंट, इट कोरिलेट पास्ट लाइफ वर्चूज डीड्स टू सब्सिक्वेंट लाइफ इवेंट्स, ठीक है। अवधानास एक तरह का पूरा एक बुक है, संस्कृत हाइब्रिड बुद्धिस्ट संस्कृत हाइब्रिड बुक, जिसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी महायान बुद्धिज्म में किस तरीके से पास्ट लाइफ और वर्चूज, बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध को रिलेट किया गया उनकी पास्ट लाइफ वर्चूज से नेक्स्ट लाइफ वाली चीजों में। सो अवधानास का क्या मतलब होता है, कब लिखी गई थी, किसने लिखी गई थी, दैट थिंग यू नीड टू रिमेम्बर हियर, ओके। अब इसी टाइम जो और बुक्स थी जो आपको जाननी है, सम इम्पोर्टेंट बुक्स, क्योंकि इस समय बहुत सारा काम हुआ था लिटरेरी फील्ड में, तो वो था महावस्तु और दिव्य वंदना, ओके।
महावस्तु दिव्य वंदना ग्रीक जो थे वो जो एक्टिव थे इस एरिया में, उन्होंने इस टाइम पे थिएटर इंट्रोड्यूस किया, जो प्ले और थिएटर्स होते हैं ना वो इंट्रोड्यूस किया ग्रीक्स ने इंडिया में। और थिएटर्स में कर्टेंस का यूज, ठीक है, अभी कैसे थिएटर में क्या होता है, ऐसे कर्टेंस लगे होते हैं और कर्टेंस को ऐसे खोल के पूरा हटाया जाता है और उसके बाद फिर प्ले होता है, ठीक है, ये होता है ना। तो वो कर्टेंस जो थे वो कर्टेंस थिएटर में किसने लेके आए, ग्रीक्स लेके आए। इट वॉज फ्रॉम द ग्रीक एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज यवनिका, दैट इज फ्रॉम यवना। ओके, कामसूत्र जो वात्स्यायन ने लिखी थी वो भी इसी पीरियड में लिखी थी, एंड लेटर ऑन इट वॉज अ सेक्युलर टेक्स्ट विच लेटर ऑन कंप्लीटेड इन 300 AD, ठीक है। और इस समय एक पूरी तरीके से अर्बन डेवलपमेंट होनी शुरू हुई, और इस समय फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दोज पीपल हु आर लिविंग इन सिटीज दे वर कॉल्ड एज नगरक। ओके, नगरक जो कि बाद में नागरिक बना और सिटी बेस्ड पर्सन, ठीक है, नगर में रहने वाले लोग बने नगरक, और नगरक का ही ओवरऑल चेंज फॉर्म था नागरिक, ठीक है, सिटीजन्स। सिटीजन्स मतलब सिटी में रहने वाले लोग, नागरिक मींस नगर में रहने वाले लोग, ठीक है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी केम टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाई ग्रीक आइडियाज एंड फ्रॉम ग्रीक टर्म हॉरोस्कोप वॉज द डिराइव टर्म होरोशास्त्र यूज फॉर एस्ट्रोलॉजी इन संस्कृत, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इंडिया में एस्ट्रोलॉजी पहले भी होती थी, लेकिन जो नॉमेनक्लेचर यूज होना शुरू हुआ वो ग्रीक टर्मिनोलॉजी से आया। हॉरोस्कोप जो है वो ग्रीक वर्ड है, और उससे इंडिया में यूज होना वर्ड शुरू हुआ हॉरोशास्त्र, ठीक है। ड्रैकमा जो था, मैंने ऐसे आपको बताया कि ड्रामास के लिए वर्ड था वो ड्रैकमा था ग्रीक वर्ड, और वहां से ड्रामा वर्ड आ गया। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कितना ज्यादा ग्रीक ओरिएंटेशन का इन्फ्लुएंस था इंडियन सोसाइटी में बाय दिस टाइम। ओके, चरक संहिता कंटेन्स द नेम ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स फ्रॉम विच ड्रग्स वर प्रिपेयर्ड, वो उसी टाइम लिखी गई थी। पॉसिबली द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग लेदर शूज, वो भी कनिष्क के पीरियड में ही शुरू हुआ था, दैट इज कुशाना टाइम, ठीक है। तो लेदर शूज जैसे मैंने आपको बताया वो इसी समय इन्हीं लोग के साथ होता था, तो कनिष्क के पीरियड में शुरू हुआ, दैट इज मेंशनड हियर। ग्लास मेकिंग वो भी बहुत ज्यादा हो रही थी, ऑल्सो मेड अ ह्यूज प्रोग्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। ग्लास वेयर, ग्लास की चीजें, ठीक है, ग्लास इन द सिंपल थिंग मिरर्स, ये सारी चीजें बनना एक्सेसिवली शुरू हो गई थी इस पीरियड में। सो ये सारे फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी, यू हैव टू मग इट अप। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा समझने का बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ऑल आई कैन टेल यू इज कि देखे किस तरीके से ये वेस्टर्नर्स थे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से आ रहे थे, उन एरिया से आ रहे थे जहां पे विंटर्स थे, तो विंटर का इम्पैक्ट आपको दिखेगा क्लोदिंग स्टाइल में, जो क्लोदिंग स्टाइल इन्होंने चेंज की। हॉर्सेस को ये लेके आए इंडियन सोसाइटी में, ठीक है, और ग्रीक्स और इंडो ग्रीक कल्चर को डेवलप करने में इन लोगों ने हेल्प की, ठीक है। अब हम बात करेंगे सत्वनास के बारे में। सत्वनास जो है वो डेक्कन में और आंध्र पुरानास उन एरियाज के हैं, तो हम इनके बारे में सेपरेटली बात करेंगे। पहले आप मुझे बताएं कि नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन के लोगों के बारे में, यू आर क्लियर, दे आर नॉट मच मोर टू बी टोल्ड है, ओके। लेट मी टेक द क्वेश्चन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। अनिवागन, नो वी डोंट नो द रियल नेम ऑफ विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन, ओके, उस पर बहुत सारा डिबेट है। स्टोन कोल्ड इज कनिष्क ओनली, ओके, दैट वाज अ स्पेलिंग मिस्टेक। यस, एजुकेशन IAS, आई एम गोइंग टू अपलोड दिस आफ्टर द सेशन इन द टेलीग्राम ग्रुप, ओके, डोंट हैव टू वरी। सो वी कैन मूव। गुलाब, कॉन्सेप्चुअली यू हैव टू गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। देर इज नॉट कोई इनका ऐसे एज सच कोई टेक्निक नहीं है यार, ठीक है, दीज आर जस्ट स्टोरी टेलिंग की तरह फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि कैसे ग्रीक वर्ड था ड्रैकमा वो ड्रामा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ग्रीक्स कब आए कैसे आए, यू हैव टू रिलेट दोज थिंग्स एंड ट्राई टू रिमेंबर देम, ठीक है। सत्वहानास के बारे में बात करते हैं, दे आर सेम एज आंध्रास, कई सारी बुक में, कई सारे रेफरेंस मटेरियल्स में आपको सत्वहानास नाम नहीं मिलेगा, द नेम यू विल गेट इज आंध्रास, ओके, आंध्रास। पुराना स्पीक ओनली अबाउट आंध्रा रूल इन डेक्कन, ठीक है। सो जो सारे पुराण्स हैं, ठीक है, इंडियन हिंदू कल्चर के, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि आंध्रास जो है, ये सत्वहानास जो है, ये पूरे डेक्कन के एरिया को रूल करते थे, ठीक है। सत्वहानास पावर में कब आए, दे केम इन पावर आफ्टर डिफीटिंग हु, कन्वर्स इन सेंट्रल इंडिया इन 1st सेंचुरी BC, इस टाइम ये पावर में आए।
इससे पहले सत्वनास केम इन नॉर्थ महाराष्ट्र एंड नॉर्थ तेलंगाना. ओके, नॉर्थ महाराष्ट्र और नॉर्थ होगा ये एक्चुअली नॉर्थ तेलंगाना. ओके, सत्वनास वर डिस्पोज्ड ऑफ द देयर डोमिनेंस बाय द शाकास. ठीक है, फॉर्चून्स ऑफ द फैमिली वर रिस्टोर्ड बाय गौतमी पुत्र सतकर्णी. सो गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम आपको पता होना चाहिए. ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग अमंग द सतवाहना किंगडम और सतवाहना रूलर्स. ओके, इनको बीच में सत्वनास को किसने हराया था? इनको हराया था शाकास ने. ठीक है, जो डेकन में शाकास एक्टिव थे उन्होंने सत्वनास को हरा दिया था. देखिए, ये आपका वो पॉलिटी वाला सेक्शन है जो आपको एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा. आर्ट एंड कल्चर में यू वोंट बी गेटिंग दीज थिंग्स. आर्ट एंड कल्चर में आपको खाली पता चल जाएगा कि सत्वनास के टाइम पे आर्ट एंड कल्चर कैसे प्रॉस्पर कर रहा था, कैसे डेवलप कर रहा था. सो सत्वनास के की पॉलिटी और उनके यहाँ क्या बैटल्स हो रही थी, कैसे हो रही थी, उसको समझने के लिए यू हैव टू गो थ्रू दीज स्लाइड्स. सत्वनास वर डिस्पोज, किसने डिस्पोज किया? जो डेकन में शाकास थे. और फॉर्चुनेटली जो पावर उनकी रिस्टोर किसने की? गौतमी पुत्र सतकर्णी. ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे वो ही हिमसेल्फ वॉज अ ब्राह्मण. ओके, और इनका जो नेमिंग कन्वेंशन होता था सत्वनास में वो होता था मैट्रियाकल नॉट पैट्रियाकल. सो जो इनकी माँ का नाम था गौतमी, तो दैट्स व्हाई ही कॉल्ड अस गौतमी, गौतमी पुत्र सतकर्णी. ओके, सत्वनास नेवर यूज गोल्ड कॉइंस बट दे माइट हैव यूज गोल्ड बुलियंस. अब गोल्ड कॉइंस क्यों नहीं यूज करते थे? क्योंकि गोल्ड ज्यादा डेक्कन के एरिया में होता नहीं था. इस एरिया में जो नॉर्थ तेलंगाना का एरिया है, इस एरिया में होता है लेड. तो आप देखेंगे कि सत्वाना किंगडम में बहुत सारा एबंडेंस में आपको लेड कॉइन्स मिलेंगे. सो दैट इज एक्चुअली द वे यू रिमेम्बर दीज थिंग्स. कि आप कैसे याद करेंगे? आपको पता है कि ज्योग्राफिकल नेचर है कि डेक्कन में और उस एरिया में गोल्ड नहीं मिलता है. ठीक है, तो अगर गोल्ड नहीं मिलता है तो उसके करेंसी, उसके कॉइन्स ये बनाएंगे भी नहीं. तो किसके कॉइन्स बनाएंगे? जो यहाँ एबंडेंस में अवेलेबल हो. क्या अवेलेबल है? लेड अवेलेबल है. तो आपको लेड के कॉइन्स मिलेंगे सत्वाना किंगडम में, विच हैव बीन फाउंड इन डेक्कन. People of Deccan knew the art of paddy transplantation. Okay, so paddy कैसे, चावल कैसे उगाते हैं? Paddy को पहले एक जगह पानी में लगाते हैं, वो थोड़ा ग्रो हो जाता है. जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको निकाल के दूसरी जगह पे लगाते हैं. So that paddy transplantation technique was known by the people here. People of Deccan also produced cotton. ठीक है, क्योंकि black soil होती है कई region में, तो cotton का production भी इन्होंने चालू कर दिया था. अब अगर cotton का production हो रहा है, इसका मतलब जो clothing होती होगी वो भी बननी शुरू हो गई होगी. सत्वनास वर ओरिजिनली सीम टू हैव बीन अ ट्राइब इन डेक्कन. अब देखिए, इस पे थोड़ा इशू है. बहुत लोगों का कहना ये है कि दे वर ऑल्सो समवट कनेक्टेड विद आर्यंस, जो बहुत पहले शिफ्ट हो गए थे सदर्न एरियाज में. बट अदर पीपल आर सेइंग, अदर पीपल जो स्कॉलर्स हैं उनका कहना है कि दे वर ओरिजिनली ट्राइबल पीपल ऑफ डेक्कन, जो ओवर द पीरियड डेवलप करके दे बिकम द रूलिंग फैमिली इन द रीजन. ठीक है, नाउ गौतमी पुत्र नॉट ओनली एस्टैब्लिश द फोर फोल्ड वर्ल्ड वर्ण सिस्टम, बिकॉज एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी ही वॉज अ ब्राह्मण. ठीक है, ब्राह्मण है तो क्या करेंगे? फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम, जो ठीक है चतुर्वर्ण प्रथा होती है, उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया इन द डेक्कन रीजन एंड ही फॉलोड इट वेरी स्ट्रिक्टली. ठीक है, आर्टिशंस और मर्चेंट्स वर गिव जनरल डोनेशन टू बुद्धिस्ट कॉजेस. ठीक है, सत्वनास जो थे, दो सत्वनास गिव लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण, बट बुद्धिस्ट मॉन्क्स वर ऑल्सो गिवन ग्रांट्स. अब देखें, यहाँ पे देखें कि एक तरीके का सेक्युलरिज्म ही कह सकते हैं आप, कि ब्राह्मण जो थे, ये खुद ब्राह्मण थे, प्रैक्टिसिंग ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी ग्रांट्स दिए, बुद्धिस्ट कॉजेस के लिए भी डोनेशन दिए. ये सारी चीजें उन्होंने की. ठीक है, गंडिकास यानी परफ्यूमर्स रिपीटेडली मेंशन एज डोनर्स. लेटर ऑन गंडिकास बिकेम सो जनरल दैट दे वर यूज फॉर शॉपकीपर्स. तो बार बार जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे इस फेजियस का, सत्वाना किंगडम का, तो यू विल बी गेटिंग अ वर्ड कॉल्ड एज गंधिका. ठीक है, गंधिका दोज हु ट्रेड रिलेटेड टू वर्ल्ड ऑफ स्मेल्स परफ्यूम्स. ठीक है, परफ्यूमर्स जो होते थे उनको गंधिका कहते थे. गांधी की जो फैमिली है, ठीक है, महात्मा गांधी की फैमिली है, वो भी अपनी ओरिजिन इन्हीं लोगों से ट्रेस करती है, गंधिका से. दैट्स वाई द सरनेम गांधी केम इन. ओके, लेटर ऑन जो ये गंधिका होते हैं, ये गंधिका इतने कॉमन हो गए नाम कि देयर एनी शॉपकीपर एंड ऑल शॉपकीपर इन द सिटी एरिया यूज टू बी कॉल्ड गंधिका ओनली. ठीक है, ओनर्स हैड अ मैट्रिलिनियल सोशल स्ट्रक्चर एज आई टोल्ड यू. इट वॉज कस्टमरी टू नेम द किंग आफ्टर हिज मदर एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी. कि गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम गौतमी पुत्र क्यों था? क्योंकि उनकी माँ का नाम गौतमी होगा. ठीक है, बट रूलिंग फैमिली वॉज पेट्रियाकल. मतलब आपका जो नाम है उसका नॉमिनेचर तो आप मेट्रियाकल रखेंगे, लेकिन पावर जो है वो मेल टू मेल ही ट्रांसफर होगी. ठीक है, सो वहां पे पेट्रियार्की वापस आ जाती थी. तो पेट्रियार्की, रूलिंग फैमिली वॉज पेट्रियाकल बिकॉज सक्सेशन टू द थ्रोन
पास थ्रू द मेल मेंबर्स टू द नेक्स्ट मेल मेंबर ओनली. कीन जो होता था वो मेल मेंबर ही होता था, फीमेल नहीं होती थी. सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन में वो मैट्रियार्कल थे. ठीक है, इस समय पे जो सोसाइटी होती है उसके बारे में कुछ ये समझना है कि जो डिस्ट्रिक्ट होती थी सतवाहना किंगडम में, जो डिस्ट्रिक्ट होते थे, डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था अहरा. ओके, अहरा एज इट वॉज ऑल्सो नोन इन द अशोकास टाइम, अशोक के टाइम में भी और यहाँ भी अहरा कहा जाता था. ऑफिशियल्स, आपने पढ़ा है कि मौर्यन किंगडम में ऑफिशियल्स को कहा जाता था अमत्स्य और महामत्रास. वो सेम अमत्स्य और महामत्रास जो नाम है वो अभी भी यूज हो रहे थे. ठीक है, इस सोसाइटी में. तो आप देखें नॉमेनक्लेचर जो है, नेमिंग नॉमेनक्लेचर, वो ओवर द पीरियड डेवलप होता है और वो किंगडम चेंज होने के बाद, रूलर चेंज होने के बाद भी स्टिक कर जाता है. ठीक है, और वो वैसे ही रहता है. ठीक है, सो दैट थिंग आई थिंक यू शुड ओके. एडमिनिस्ट्रेशन इन रूरल एरियाज वॉज इन हैंड्स ऑफ गोलमिका, हु वॉज द हेड ऑफ मिलिट्री रेजिमेंट कंसिस्टेंटिंग ऑफ 99 एलिफेंट, 25 हॉर्सेज एंड 45 फुट सोल्जर्स. नाउ दिस इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी. यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि रूरल एरियाज जो होते थे उनका हेड कौन होता था, उनका इंचार्ज कौन होते थे, उनका नाम होता था गोलमिक. गोलमिक होता था सतवाहना किंगडम के अंदर. ये जो होते थे मिलिट्री रेजिमेंट को भी हेड करते थे. और इस मिलिट्री रेजिमेंट में क्या होते थे, एक हर एक रेजिमेंट में 99 हाथी, 99 एलिफेंट्स, 25 हॉर्सेस और 25 फुट सोल्जर्स होते थे. ठीक है, सो अब ये अब यहाँ पे हॉर्सेस कम एलिफेंट ज्यादा क्यों है, क्योंकि बट नेचुरली हॉर्सेस जो थे वो इंडिया के नहीं थे, वो इम्पोर्ट किए जाते थे, जबकि हाथी जो थे वो आपको इंडिया में मिल जाते थे. ठीक है, और कटका, ठीक है, कटक कहते हैं, कटका कहते हैं, स्कंद वराज जो थे ये मिलिट्री कैंप्स एंड सेटलमेंट्स थे विच वर सर्व्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स एज लॉन्ग एज किंग वाज देयर. ठीक है, सो अगर राजा कहीं पे भी जाते थे, अगर राजा कहीं पे भी जाते थे तो उस एरिया को कटका या स्कंद वहराज कहा जाता था, क्योंकि वहां पे मिलिट्री कैंटोनमेंट बना दिए जाते थे. ठीक है, उस पूरे एरिया को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना दिया जाता था. ठीक है, सतवाहनास जो थे वो वैष्णव गॉड्स कृष्ण वासुदेव को भी प्रेज करते थे, उनकी भी पूजा करते थे. तो सतवाहनास के बीच में आपको कई सारे अलग अलग ग्रुपिंग्स मिल जाएंगे. ठीक है, अभी आप पहले देख चुके हैं कि देवर बुद्धिस्ट के वर्ष पर भी थे, अब आप देख रहे हैं कि कृष्ण वासुदेव जो कॉन्सेप्चुअली नए एक गॉड थे जो इसी फेज में डेवलप हुए थे. इससे पहले कृष्ण वासुदेव के फॉर्म में कभी उनकी प्रेयर नहीं होती थी, पूजे नहीं जाते थे. ठीक है, तो वो इस फेज में डेवलप हुए थे, दैट यू नीड टू नो. ठीक है, They even promoted Buddhism and Mahayana Buddhism, that I told you already. ठीक है, चैत्य बुद्धिस्ट टेम्पल वर फॉर्म्ड इन दिस पीरियड ओनली. ओके, चैत्य क्या होता है, चैत्य आप फिर आर्ट एंड कल्चर की क्लास में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि बुद्धिस्ट टेम्पल में जो कि लार्ज हॉल होता है, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े कॉलम्स होते हैं, जिसमें लोग कलेक्ट होकर साथ में प्रेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज चैत्य. विहारा क्या होते हैं, विहार वो एरिया होते हैं सेंट्रल हॉल से कनेक्टेड, ठीक है, जहां पे बरांदा एंड डिफरेंट जहां पे लोग रहते हैं वो एरियाज होते हैं. ठीक है, फेमस चैत्य कौन थे जो इस पीरियड में बनाए गए, वेस्टर्न डेकन में कार्ले. ठीक है, विहारास वर एक्सकेवेटेड नियर चैत्यास फॉर रेसिडेंस ऑफ द मॉन्क, एज आई टोल्ड यू रेनी सीजन के टाइम. ठीक है, विहारास को बनाया गया था जहां पे मॉन्क्स जो होते थे, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, वो वहां रहने की उनकी व्यवस्था की जाती थी. तीन विहारास जो इंपॉर्टेंट है दे आर एट नासिक, और उसमें इंक्रिप्शन किसके हैं, नहापाना और गौतमीपुत्र दोनों के. तो दोनों किंग्स थे सतवाहनास के, और दोनों के किंगडम, दोनों के सिंबल्स हैं, इंस्क्रिप्शन हैं. इसका मतलब है कि इनके पास से डोनेशन आई होगी इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, इन स्ट्रक्चर्स को, इन केव्स को बनाने के लिए. ओके, टू स्तूपाज आर ऑल्सो फाउंडर्स, अमरावती एंड नागार्जुनकोंडा. ओके, अब आप यहाँ पे स्तूपाज भी देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि बुद्धिस्ट रिलेटेड बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स कितने ज्यादा इन लोगों ने डेवलप कराए हैं इस पीरियड में. ओके, अमरावती स्तूपा बिगेन एंड 200 BC बट रिकंस्ट्रक्टेड एट 200 AD. ठीक है, सो अमरावती का स्तूपा पहले बना था 200 BC में, फिर वो टूट गया, फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया गया 200 AD पे. नागार्जुना कोंडा प्रपोज अंडर इक्ष्वाकु द सक्सेसर ऑफ सतवाहनास. ओके, ये जो पूरा नागार्जुना कोंडा का रीजन था जो इनके उस समय यहाँ पे स्तूपा बनवाया था सतवाहनास ने, वो प्रॉस्पर कब किया, इक्ष्वाकु के अंदर, जो सतवाहना के बाद रूल करने आए. अमरावती का ऐसे ही जो स्तूपा है, इट्स फुल ऑफ स्कल्पचर्स व्हिच डिपिक्ट्स
वेरियस सीन फ्रॉम लाइफ ऑफ बुद्धा। तो महायान बुद्धिज्म में आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे कि प्रीवियस लाइफ्स ऑफ बुद्धा और पूरी जो लाइफ थी बुद्धा की वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और वो अलग अलग जगह पे उसको पेंट करते हैं, स्कल्पचर करते हैं, उसकी डिजाइनिंग करते हैं। तो आपको अमरावती का जो स्तूपा है वो स्तूपा में आपको ये सारी डिजाइनिंग मिल जाएगी। इन्हीं डिजाइनिंग को यूज करके आप आर्ट एंड कल्चर वाली क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से यू विल बी एबल टू सेग्रीगेट कि कौन ये स्तूपा किससे बिलोंग करता है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी यहाँ पे, वो थी प्राकृत, और स्क्रिप्ट क्या थी, ब्राह्मी। ओके, लैंग्वेज थी प्राकृत, स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी। सत्वाहना किंग जो थे उन्होंने खुद ही लिखा था गथा सत्सही और गाथा सप्तसती, जो भी प्रोनाउंसिएशन करना चाहे, गाथा सप्तसती या गाथा सतासाई, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहे वो आप कर सकते हैं। सत्वाहना किंग जो थे उन्होंने खुद ही लिखी थी गाथा सप्तसती। ओके, सो ये एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन थी जो आपको सत्वाहना किंगडम के बारे में अभी पढ़नी थी। इफ यू हैव एनी क्वेरीज क्वेश्चन तो आप उनसे अभी पूछ लें। आज के सेशन में हम इतनी ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन देन विल स्टार्ट एंड विल डीप डाइव मोर इनटू डिटेल थिंग्स, और उसमें हम आर्ट एंड कल्चर में भी जाएंगे। ओके, सो आई टेक क्वेश्चंस नाउ। मचिंद्र कांबले, मचिंद्र कांबले, ओके, अनिमागम में सेइंग दिखावे का मैट्रियार्की, देखिए कहीं तो कुछ तो किया उन्होंने, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहीं आशु सिंह, लेटर ऋग्वेदिक पीरियड ज्वाइंट फैमिली वॉज सीन, प्लीज सॉल्व माई डाउट। ओके, आशु, लेटर वैदिक पीरियड में ज्वाइंट फैमिली थोड़ी सी कम होनी शुरू हो गई थी। ओके, हाय रिया, रिया यू हैव माई कॉन्टेक्ट डिटेल्स, यू कैन कॉन्टेक्ट मी फ्रॉम द स्लाइड्स। ओके, या या मधुरमा, देखें वो जो रूरल एरियाज के जो हेड होते थे ना, उनके पास एक छोटी छोटी आर्मी भी होती थी जो राजा के कॉल करने पे उनको आंसर करना पड़ता था। ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द डाउट्स आर आंसर्ड नाउ। या स्टोन कोल्ड, श्योर श्योर श्योर, ओके श्योर, थैंक्स अ लॉट, प्लीज शेयर इट एंड विद योर फेलो एस्पिरेंट्स एंड लाइक द वीडियो। That will be all for now. Subscribe to the CSE_SPYT and yeah, that will be all. Thank you.